Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to discuss some important information. जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. कल एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको क्वेरी आई थी कि अगर जो 5 नंबर अगर वर्क परमिट के बैक साइड में एक पूरा उनका रूल्स एंड रेगुलेशन सारे मेंशन करे रहते हैं, वो लोग जो भी उनके अंदर पॉलिसीज़ वगैरह हैं उन लोगों ने पॉइंट पर नोट डाउन कर रखी हैं, जो भी एक्ट के अंदर जो वर्क परमिट प्रोवाइड किया जाता है, तो उनकी एक क्वेरी थी कि पॉइंट नंबर 5 है जो फेलियर टू टेक अप वर्क बाय द फॉरनर विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द इनिशियल डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ द वर्क परमिट. उनको ऐसा लगा कि ये जो प्रॉब्लम है फेस होगा अगर 3 महीने के अंदर अपना वर्क परमिट शो नहीं करते हैं. पर ऐसा इशू आता नहीं है अभी तक का, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है जिसका भी एक बार वर्क परमिट आ रहा है इंडिया में, 1-2 साल से सिनेरियो चलते आया है. पिछले साल भी ऐसा नहीं था, जैसा आज प्रॉब्लम फेस हो रहा है ऐसा लास्ट ईयर भी था. वर्क परमिट नहीं मिलते थे, बहुत टाइम ड्यूरेशन लग जाता वर्क परमिट मिलने में. ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार आपका वर्क परमिट आ जाता है तो उसके 1-1.5 महीने के अंदर आपको वर्क परमिट मिलते हैं. हर साल का सीन है, कभी सबमिशन ऑन होते हैं. ऐसा नहीं है कि पिछले साल रिजेक्शन नहीं आया था, पिछले साल भी बहुत रिजेक्शन आ रखे हैं. और जो प्रॉब्लम फेस होता है तो टाइम टू टाइम ड्यूरेशन होता है. कुछ टाइम के लिए लोग फ्रीज़ कर देते हैं जिसमें 2-3 महीने में बहुत मुश्किल होता है, फिर उसके बाद इनका एक कोटा रहता है, उस टाइम पे अपॉइंटमेंट ओपन करते हैं. मैं जो पोलैंड का पूरा प्रोसेस है 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 2018 से फॉलो कर रहा हूँ इस प्रोसेस को. अगर आप लास्ट ईयर का भी देखें तो लास्ट ईयर में भी सेम प्रॉब्लम फेस हुआ था, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रखे हैं. अपना अपॉइंटमेंट का इशू था 2018-19-20, ये पूरे टाइम में अपॉइंटमेंट का इशू होता आ रखा है. और एक टाइम ड्यूरेशन होता है जब यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लोग ओपन करते हैं पोलैंड की एम्बेसी वाले, तो अभी इनका एक कोटा फिल करने का टाइम होगा, उस टाइम पे कर देंगे. जैसे 2 तारीख को इन लोगों ने अपॉइंटमेंट ओपन करे थे, उस टाइम पे भी बहुत फुलफिल हुए वो, उस टाइम पे बहुत सारे जो इन लोगों ने स्लॉट्स ओपन कर रखे थे ओपन हुए होंगे और फुलफिल भी हो गए. बहुत लोग नहीं कर पाए, किसी ने बुक कर रखा है. ऐसा नहीं है कि सब लोगों के, जैसे अगर कोई एजेंट के अलावा कोई अपना इंडिविजुअल यूज़र अगर उसको अपॉइंटमेंट बुक करा तो बुक नहीं हो पाया, बुक हो रखा है, बहुत लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट बुक भी कर रखे हैं. तो बाकी इंटायरली लक पे डिपेंड करता है, किसी का हो गया तो सही है, अगर किसी का नहीं हुआ तो सही था. मेरा भी हो जाता लास्ट वाले टाइम पे, साइट क्रैश हो गई. अगर साइट क्रैश नहीं होती तो मेरे को भी मिल जाता नेक्स्ट मंथ का. अभी जो अपॉइंटमेंट मिल रखे हैं लास्ट मई वाले मिल रखे हैं, जून के मिल रखे हैं अभी अपॉइंटमेंट. इसके बाद देखते हैं क्या होता है. आज अभी कुछ टाइम ड्यूरेशन में लोग दोबारा ओपन करते हैं. अगर आप करेंगे तो मेरे को लगता है जून के, तो खैर लास्ट जून लास्ट के भी मिल सकते हैं. अदरवाइज़ जो भी अपॉइंटमेंट रिलीज़ हो रखे हैं फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के रिलीज़ हो रखे हैं, जून के फर्स्ट 2018 तारीख तक का रिलीज़ हो रखे हैं फर्स्ट वीक से. अब जो दोबारा अपॉइंटमेंट ओपन होने वाले हैं, क्या पता अपॉइंटमेंट ओपन होंगे तो क्या पता जून के लास्ट वीक के वो लोग स्लॉट्स ओपन करें. अदरवाइज़ अगर वो भी फुलफिल हो जाते हैं उसके बाद जुलाई का ही आएगा, जून लास्ट के मिल सकते हैं अगर अभी अपॉइंटमेंट ओपन करें तो. मंडे के बाद स्लॉट्स रिलीज़ नहीं हुए, मंडे को स्लॉट्स ओपन हुए थे तो साइट क्रैश हो गई थी. मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3-4 दिन यही प्रॉब्लम फेस हुआ था. मंडे को भी नहीं हुए थे शायद स्लॉट ओपन, ट्यूसडे या वेंसडे को हुए थे. उसके बाद 2-3 दिन के बाद सेम प्रॉब्लम फेस हुआ है. अभी तब से तो खैर स्लॉट्स ओपन नहीं हुए, जैसे ही फर्स्ट डे ओपन हुए तो उसके बाद 2 दिन साइट क्रैश हो गई, फिर सैटरडे संडे वीकेंड आ गया, उसके बाद मंडे को स्लॉट्स ओपन नहीं थे. कल मैंने दिन भर चेक कर रखे हैं, आप लोगों ने भी चेक किए होंगे, कोई इसका अपडेट आया नहीं. इसके बाद आज का अपडेट जो भी होता है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा. अभी मॉर्निंग से लॉग इन हूँ, अभी तो कोई अपडेट नहीं आया. इसके अलावा आप लोग भी कुछ क्वेरी वगैरह होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ या तो वीडियो के थ्रू आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं आपको ईमेल के थ्रू कर दूंगा. अभी आजकल टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा, ऑफिस आवर्स रहते हैं, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है. तो जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको वाया आपका वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा. इसके अलावा जो आपकी क्वेरी थी 5 नंबर की, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. सबका जिन लोगों को भी वर्क परमिट इशू हो रखा है सबके साथ ही प्रॉब्लम है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके उसमें मेंशन है, ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल है. जो भी इनके पॉलिसीज़ हैं सारे जो वर्क परमिट रिलीज़ होते हैं सब में सेम 5 नंबर का इसमें मेंशन किए रहते हैं. जो भी पॉलिसीज़ हैं सबके लिए सेम है और ये वर्क नहीं करता. ऐसा नहीं होता कि 3 महीने के अंदर अप्लाई करना ही है, 3 महीने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं. इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर वेज रेट एंड ऑल. मैंने आपको इससे पहले वेज रेट के बारे में बताया था, वो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी पूरा नोटिफिकेशन निकाल रखा है इसके बारे में. अगर आपका वेज रेट ओके है देन देर माइट बी पॉसिबिलिटी, अगर आपकी फाइलिंग वगैरह सही होती तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं. अगर वेज रेट आपकी जो भी नॉमिनल वहाँ की गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है उसके नीचे होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं लगेंगे, पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, जितना एज पर मेरी रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग है, जितना भी मैंने देख रखा है अभी इसमें, क्योंकि उनकी वेबसाइट में क्लियरली उन लोगों ने मेंशन कर रखा है अगर आपका इतना बेसिक पे रेट है तो उसके नीचे कोई भी एम्प्लॉयर हायर नहीं कर सकता. एम्प्लॉयर अगर हायर नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये है कि लीगल नहीं है. जितना वेज रेट है, जैसे अभी 3490 चल रहा है, 3490 के नीचे किसी को हायर करना लीगल नहीं है, ये पनिशेबल ऑफेंस है. अगर वहाँ की गवर्नमेंट ही मेंशन करके देती है तो जो लेबर लॉ होता है उसके अंदर पूरा फॉल करता है, तो जो गवर्नमेंट है पूरा
पूरा एग्जामिन करती है, उसके बेसिस पर आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको इस बात में अभी भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप एक बार गूगल में सर्च कर लें कि अभी बेसिक वेज रेट क्या चल रहा है वहाँ पर। अगर देखेंगे आप वहाँ के लेबर लॉ पर, सारा उन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है कितना टाइम ड्यूरेशन है अभी और कितना वर्किंग आवर, 40 घंटे के वर्किंग आवर है, उसके ऊपर कितना काम कर सकते हैं 8 घंटे, उन लोगों ने सब मेंशन करके दे रखा है। आप एक बार गो थ्रू कर लें, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, 10-20% चांसेस मेरे को तो लगते नहीं है कि अगर हो पाएगा। अगर किसी को मिल जाता तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट वहाँ पनिशेबल ऑफेंस मेंशन करके नहीं देती कि इतना वेज रेट के अगर नीचे हायर करेंगे तो पनिशेबल ऑफेंस है और जो एम्प्लॉयर है उसको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, उसमें सारा मेंशन करके दे रखा है। इसके अलावा जो भी होगा फिर देखो, अब किसी का आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज पॉलिसी जो उन लोगों ने मेंशन करके उसके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, अगर जिसका वर्क परमिट आ गया तो फिर उसके बाद तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर किसी का वर्क परमिट 3490 से कम का है, गिव इट अ ट्राई, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं, सॉल्यूशन नहीं है। मेरे को लगता नहीं है कि एम्प्लॉयर अगर जिसने एक बार आप वर्क परमिट आपको प्रोवाइड कर दिया दोबारा वो प्रोवाइड करेगा, अगर वो प्रोवाइड भी करता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज मांगेगा। इससे पहले अगर इस प्रॉब्लम को आपको फेस ही क्यों करना है, अगर आपका जो वेज रेट है, अगर आप जो नए लोग देख रहे हैं जिसने अभी वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर रखा है, जो बेसिक वेज रेट है उसके ऊपर ही उनसे बोलें इसके नीचे का मेरे को प्रोवाइड ना करें। क्योंकि जो मेरा वर्क परमिट आया था, मेरे वर्क परमिट में थोड़ा इशू आ गया था, जो वर्क परमिट में सैलरी डिफरेंट थी, ऑफर लेटर में सैलरी डिफरेंट थी, तो ऐसा हुआ वर्क परमिट में तो 36 के अप्रॉक्सीमेटली थी, वो उसका कोई इशू नहीं हुआ। उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप था, जैसे मेरा ऑफर लेटर था उसमें उन लोगों ने मेंशन कर दी 19 PLN पर आर, उसके अकॉर्डिंग पता नहीं कितना हो रहा था, 31 या 32 के अप्रॉक्सीमेटली हो रहा था। फिर मैंने उनसे बात करी, उन लोगों ने मेरे को दोबारा मेरे सारे डॉक्यूमेंट भेजे। वर्क परमिट तो सेम ही रहा, वर्क परमिट में 3600 थी जिसका 22 समथिंग था, उसका इशू नहीं आया। उसके अलावा जो अपना ऑफर लेटर था, ऑफर लेटर में कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट चेंज करके दिए वहाँ से मेरे को ईमेल के थ्रू। उन लोगों ने बोला कि अब दोबारा आपको प्रोवाइड कर देंगे कुरियर के थ्रू, पर कुरियर के थ्रू मेरे को रिक्वायर्ड नहीं थे। जो 2023 का रूल आ रहा है उसमें आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके कलर्ड फोटोकॉपी भी दिखा सकते हैं, ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट नहीं है एज़ पर द न्यू अपडेट। तो फिर मेरे को लगा नहीं कि अप्रॉक्सीमेटली 6200 यूरो के अप्रॉक्सीमेटली वो लोग चार्ज कर रहे थे कुरियर सर्विस का, तो मेरे को वर्थ लगा नहीं। तो मैंने उनको बोल दिया कि मेरे को भी रिक्वायरमेंट है नहीं, आई विल गो विद दिस और प्रिंट आउट ऑप्शन। तो फिर अब जैसे ही आएगा तो मैं शो कर दूंगा, ऐसा कोई इशू है नहीं। अगर आप लोग अपना ईमेल में मंगाना चाहते हैं तो ईमेल में मंगा सकते हैं, अगर आप ईमेल में मंगाना नहीं चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर द अदर ऑप्शन, जो कि है आपका DHL के थ्रू कुरियर आ जाता है, एक हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन लगता है उसमें, 6 से 10 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, इसके अलावा आपको मैं थोड़ी देर में जो भी अपडेट आता है उसका एक वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, किस किस कैटेगरी में अपॉइंटमेंट ओपन है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।